सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। नमस्कार, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया न्यूज पर। डालते हैं आज की दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने की फायरिंग, दो बाहरी मजदूर गोली लगने से हुए घायल। ईडी का पीएफआई पर सनसनीखेज खुलासा, पीएफआई ने रची थी पटना में पीएम मोदी पर हमले की साजिश। चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में सीबीआई की 20 राज्यों के 56 ठिकानों पर छापेमारी। देश में 1 अक्टूबर से शुरू होगी 5G सेवा, पीएम मोदी इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस से करेंगे लॉन्च। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में भारत सबके सामने गर्व से खड़ा है, एस जयशंकर। भारत शांति का पक्षधर है पर आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा, संयुक्त राष्ट्र के मंच से जयशंकर ने चीन पाक को सुनाया। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव, शशि थरूर ने 5 सेटों में भरा पर्चा, सोमवार को अशोक गहलोत कर सकते हैं नामांकन। पीएफआई पर कार्रवाई हो रही है तो संघ के खिलाफ क्यों नहीं, दिग्विजय का बयान, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। युवाओं को लश्करे तैयबा और आईएसआईएस में शामिल होने को उकसा रहा है पीएफआई, ग्लोबल फंडिंग के सबूत। राजस्थान में नए सीएम का चयन का काउंटडाउन शुरू, आज शाम 7 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक, माखन खड़गे टटोलेंगे विधायक का मन। कन्हैया लाल हत्याकांड में 20 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस, 4 थानों और स्पेशल ब्रांच की लापरवाही उजागर, प्रमोशन नहीं होंगे। लोग लगातार एजेंसियों, सत्ता और पुलिस के डर के साए में जी रहे हैं, कपिल सिब्बल। उत्तराखंड में मेहमानों को स्पेशल सर्विस देने मना करने पर हुई रिसेप्शनिस्ट की हत्या। हरियाणा सरकार से बातचीत के बाद हाईवे से हटने को राजी हुए किसान, 21 घंटे से लगा हुआ था जाम। देश में बदलाव चाहती है जनता, हरियाणा से होगी इसकी शुरुआत, अभय सिंह चौटाला। पाकिस्तान में महिला समेत 2 किशोरियों का धर्मांतरण, मुस्लिम युवकों से हुई शादी। तीसरी बार टली ऑर्टेमिस की लॉन्चिंग, अमेरिका के चंद्र अभियान को बड़ा झटका। संयुक्त राष्ट्र में शहबाज शरीफ के बयान को लेकर भड़के अफगान पूर्व राष्ट्रपति, तालिबान ने रखी बिना शर्त माफी की मांग। गुजरात चुनाव में ओवैसी भी दिखाएंगे दम, एआईएम के 3 उम्मीदवारों का ऐलान। आज अहमदाबाद के दौरे पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान। हिमाचल में युवाओं का मनोबल बढ़ाकर पीएम मोदी ने भूखी चुनावी विगुल की शुरुआत। पंजाब में छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो मामले में सेना का जवान गिरफ्तार। इंग्लैंड वनडे पर क्लीन स्वीप के साथ झुलन गोस्वामी ने की क्रिकेट से संन्यास की घोषणा। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।